हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन इन लनवे दीतिवन। जो भी स्टूडेंट जॉब सर्च करते हैं तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से वैकेंसी आई है टीचर्स भर्ती की, जहां पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी नॉन टीचिंग स्टाफ की वैकेंसी है। यहां पर तीन तरीके की वैकेंसी की हम बात करेंगे। एक तो वीएस विद्यालय की वैकेंसी है, दूसरी अदब हाई स्कूल की वैकेंसी है जहाँ पर एनटीटी, डीलेड वाले भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, और तीसरा एरोनॉटिक्स कॉलेज से वैकेंसी है। ठीक है, तो तीनों ही वैकेंसी की बात हम इस वीडियो में करेंगे। सैलरी यहाँ पर 12,000 से लेकर 19,000 तक रहने वाली है। बीएड, डीलेड, एनटीटी आपने किया है तो सभी स्टूडेंट यहाँ पर सभी राज्य के एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो देखिए, ये इसका जो है नोटिफिकेशन है कंप्लीट, और जो कि एरोनॉटिक एजुकेशन सोसाइटी सुना वेदा से आया है एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट इन वीएस विद्यालय। तो सबसे पहली जो है वो हम यहाँ पर वीएस विद्यालय की देख लेते हैं। यहाँ पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी, इंग्लिश मीडियम स्कूल है ये। यहाँ पर पीजीटी में इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की वैकेंसी है। मास्टर डिग्री के साथ जो है वो बीएड मांगा गया है। टीजीटी में यहाँ पर इंग्लिश, मैथ और हिस्ट्री की वैकेंसी है। मास्टर डिग्री या ग्रेजुएशन के साथ में बीएड यहाँ पर डिमांड की गई है। अभी जो है इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के लिए 19,000 है, बाकी इंग्लिश, मैथ और हिस्ट्री के लिए इन्होंने 13,500 रुपए यहाँ पर दिया है। ठीक है, कोई एग्जाम आपका नहीं होगा। टीजीटी में यहाँ पर फिजिक्स, बायोलॉजी, उड़िया, लाइब्रेरी साइंस की जो वैकेंसी है, तो मास्टर डिग्री, ग्रेजुएशन, बीएड, यानी कि मास्टर डिग्री और बीएड किया है तो भी आप एलिजिबल हैं, ग्रेजुएशन बीएड किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। ठीक है, और लाइब्रेरी साइंस के लिए जो है आपके पास बैचलर ऑफ लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए। 13,500 रुपए यहाँ सैलरी मिलेगी। पीआरटी में देखिए, यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश और नर्सरी की वैकेंसी है। यहाँ पर मिडिल सेकेंडरी और प्राइमरी, प्री प्राइमरी जो है यहाँ पर क्लासेज रहेंगी। ग्रेजुएशन आपने अगर कर रखा है तो हिंदी के लिए, और ग्रेजुएशन के साथ में अगर बीएड किया है, डिप्लोमा किया है आपने, डीलेड किया है, तो आप यहाँ पर पीआरटी में इंग्लिश और नर्सरी के लिए फॉर्म डाल सकते हैं। 12,000 रुपए यहाँ पे आपको मिलेंगे। नॉन टीचिंग स्टाफ जो है इसमें स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है। ग्रेजुएशन के साथ में बीएड मांगा गया है। 12,000 रुपए जो है यहाँ मिलेंगे। एकेडमिक कोऑर्डिनेटर जो है यहाँ पर मास्टर डिग्री के साथ में बीएड 19,000 रुपए। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए यहाँ पर बीसीए, बीएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी से, या फिर कोई ग्रेजुएट आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया है लेकिन साथ में आपके पास जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा है, तो आप यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एप्लीकेशन कर पाओगे। सभी राज्य के कैंडिडेट यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, 12,000 रुपए जो है यहाँ पर आपको सैलरी मिलेगी। यहाँ पर जो है मिनिमम जो एज है वो 21 ईयर और मैक्सिम 45 ईयर जो है वो कही गई है। कैसे एप्लीकेशन करेंगे तो बिल्कुल हाईलाइट मैंने कर दिया है, अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी। दूसरा हम देख लेते हैं, यहाँ पर अदब हाई स्कूल सुना वेदा 2 से वैकेंसी है, द एरोनॉटिक्स एजुकेशन सोसाइटी। ठीक है, यहाँ पर जो है मॉन्टेसरी या प्राइमरी फॉर क्लास एलकेजी से 5th तक की जो है 3 वैकेंसी हैं। क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री आर्ट्स साइंस में आपने किया है किसी में भी, एनटीटी और या फिर आपने बीएड किया है। 21 से 45 साल एज है, 12,000 जो है वो सैलरी मिलेगी। मैथ या साइंस और उड़िया और संस्कृत यहाँ पर 3, 2 और 2 वैकेंसी है। मास्टर या बैचलर डिग्री के साथ में बीएड किया है। 21 से 45 साल एज है और 12,000 सैलरी यहाँ पर आपको मिलने वाली है। तीसरा हम बात करने वाले हैं जो एडवर्टीजमेंट आई है एरोनॉटिक्स कॉलेज से, सुना वेदा से। ठीक है, तो तीनों ही सुना वेदा से है। यहाँ पर जो है जूनियर लेक्चरर की जो वैकेंसी है, देखिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ये वैकेंसी है, लेकिन यहाँ पर ये कहा गया है कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वह आप लोगों का 1 साल का रहेगा। एज लिमिट जो है यहाँ पर 21 से 50 साल है, और यहाँ पर सैलरी जो है वो 19,000 मिलेगी। अगर आपने मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ की है तो आप यहाँ पर बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिंदी, हिस्ट्री, उड़िया, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस और जूलॉजी, ठीक है, इसके लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। अगर आपने पीएचडी किया है, अगर आपने एमफिल किया है, ठीक है, तो ये जो है वो आपकी डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, यानी एक्स्ट्रा है, तो आप लोगों को यहाँ पर जो है वो बेनिफिट मिलेगा। लेकिन यहाँ पर मांगा गया है केवल मास्टर डिग्री 55% के साथ, ठीक है, 21 से 50 साल होनी चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट कम स्टोर कीपर की यहाँ पर है बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलॉजी में, मास्टर डिग्री या ग्रेजुएशन आपने साइंस में किया है, 21 से 50 साल एज है, 13,500 रुपए यहाँ पर मिलेंगे। पीईटी की यहाँ पर एक वैकेंसी है फिजिकल एजुकेशन टीचर की, बैचलर डिग्री इन आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस किसी में भी किया है, वीपीएड मांगा गया है 45% मार्क्स के साथ। लोअर डिवीजन क्लर्क जो है उसकी एक वैकेंसी है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस किसी में भी किया है आपने, डिप्लोमा मांगा गया है कंप्यूटर एप्लीकेशन में, यहाँ पर 12,000 सैलरी आपको मिलेगी। अब देखिए, ये जो तीनों वैकेंसियां मैंने बताई हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं, और ये कोरापुट
कोरापुट जो जिला है उससे आई है, ठीक है, और जो कि कहाँ पर है, ओडिशा में है। यहाँ पर जो है सबसे बड़ी बात क्या होती है कि अगर आप केंद्रीय विद्यालय में परमानेंट जॉब के लिए भी वैकेंसी आती है तो उसमें एप्लीकेशन करते हैं, तो वहाँ पर भी अगर आप ऐसे स्कूल्स के नाम जो है वो लेते हैं कि मैंने उस स्कूल से जो है वो 1 साल का एक्सपीरियंस गेन किया है, तो आप लोगों को जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो प्रेफरेंस दी जाएगी, ठीक है, आप लोगों को बेनिफिट जो है वो ज़रूर होता है। यहाँ पर जो एप्लीकेशन कैसे करनी है कॉलेज के लिए, तो द प्रिंसिपल एरोनॉटिक्स कॉलेज इन द कॉलेज, तो ये ईमेल एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये जो है वो आप स्क्रीनशॉट ले लें। 15 दिन के अंदर जैसे ही एडवर्टीजमेंट जारी हुई है जिस दिन, उस दिन से लेकर 15 दिन के अंदर तक जो है वो आप लोगों को एप्लीकेशन कर देनी है। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे। वीएस विद्यालय के लिए एप्लीकेशन कैसे करना है, तो यहाँ पर जो है मेन वेबसाइट जो है वहां पर जाकर आप लोगों को एप्लीकेशन मिल जाएगा, और ईमेल जो है वो आप लोगों को इस पर कर देना है, ठीक है, वीएस विद्यालय का जो ईमेल एड्रेस है इस पर कर देना है। यहाँ पर हाई स्कूल के लिए जो है बिल्कुल यहाँ पर दिया हुआ है इन्होंने ईमेल एड्रेस, तो आप लोगों को इस पर भेज देना है, 15 दिन के अंदर ही भेज देना है। डिस्ट्रिक्ट कोरापुट से वैकेंसी है, तो एप्लीकेशन करने के लिए मेन वेबसाइट पर आपको आना है। पहले हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ये जो है मेन वेबसाइट है, आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे HAL स्पेस इंडिया डॉट CO.IN, ठीक है, यहाँ पर जो राइट साइड में जो है आपको करियर सेक्शन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक करना है। आपने जो है इस पर क्लिक किया उसके बाद जो है वो आप नीचे आकर देखेंगे यहाँ पर करियर सेक्शन में, तो आपको 1, 2, 3, 4 एंड 5 फाइव नंबर पर जो एडवर्टीजमेंट है जो कि 28 जुलाई को विज्ञापन जारी हुआ है और 14 अगस्त जो है वो इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो ये जो है पेज आ गया जहां पर जो है आप लोगों को एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा। क्लिक हेयर टू डाउनलोड एडवर्टीजमेंट फॉर वेरियस पोस्ट, ठीक है, तो तीनों जगहों के कॉलेज स्कूल के आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, उसको अच्छे से रीड कर लेंगे, और उसके बाद जो है आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्मेट को डाउनलोड करना है। तो चलिए इसको जो है वो हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म रहा पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो आप कॉलेज में कर रहे हैं, स्कूल में कर रहे हैं या फिर अडव हाई स्कूल में कर रहे हैं, तो आप जो है यहाँ पर लिख लेंगे अपना जो है वो कंप्लीट जो भी बायोडाटा है आपका, आप क्वालिफिकेशन वगैरह एक्सपीरियंस है तो वो भी लिखें, अगर एक्सपीरियंस मांगा नहीं गया है यहाँ पर जो है वो आप सारा फॉर्म भर के सिग्नेचर करके डेट प्लेस जो है वो लिख कर फोटो जो है यहाँ पर लगा कर, और उसके बाद जो ईमेल एड्रेस मैंने आप लोगों को बताया है उस पर आप लोग ईमेल कर देंगे, ठीक है। तो ईमेल एड्रेस जो है वो बिल्कुल हाईलाइट कर दिया मैंने, ये जो ईमेल एड्रेस है, एडवर्टीजमेंट डाउनलोड करेंगे आप तो आप लोगों को ईमेल एड्रेस जो है वो अच्छे से देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर ईमेल कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है कॉलेज के लिए ये रहा। हाँ, यहाँ पर जो है एक चीज मैं आप लोगों को बताऊंगी, जो हाई स्कूल जो है ना यहाँ पर अदब हाई स्कूल सुना बेदा, यहाँ पर इन्होंने ये चीज मांगी है कि यहाँ पर अगर आपकी जो मीडियम उड़िया है, ठीक है, तो आप जो है यहाँ पर एप्लीकेशन कर पाओगे अदब हाई स्कूल में, बाकी जगह जो है वो ऐसा कुछ नहीं है, उड़िया जो लैंग्वेज है वो कंपलसरी नहीं है, नहीं मांगा गया है। तो ऐसे ही वैकेंसी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस कर लें ताकि जितने भी वीडियो बनते हैं आप तक समय पर पहुंच सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।